नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्टमो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली इट्स अ समथिंग डिफरेंट टॉपिक जो ज़्यादातर कोई बात नहीं कर रहा है आज के दिन। नीट जो क्वालिफाइड हुए, चलो उनके लिए तो सही बात है, उनको कहीं ना कहीं पर एडमिशन मिल पा रहा है, लेकिन जो नीट नॉन क्वालिफाइड है उसको ऑप्शंस प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे, या तो फिर मिल रहे हैं तो वहाँ पे वो मिसगाइड हो रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ। किस तरीके से नीट के अंदर नॉन क्वालिफाइड होने के बाद ज़्यादातर जो ऑप्शन देते हैं लोग, उनको दो ऑप्शन मिल पा रहे हैं, एक तो मिल रहा है फिलीपींस का और दूसरा मिल रहा है जो है कैरेबियन का। मैं क्यों इसको मिसगाइड हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है वैसा बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है। सबसे पहले हम लोग फिलीपींस की बात करेंगे। फिलीपींस में बच्चे को बोला जाता है कि नीट के अंदर तुमको नेक्स्ट ईयर क्वालिफाइड करवा दिया जाएगा, उसका प्रिपरेशन करवाया जाएगा, साथ में तुमको एक साल की फिलीपींस की स्टडी करनी है। फिलीपींस का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स 10+2 जो अपना इंडिया का है, उससे अलग है। क्यों अलग है? वहां पे जो सिस्टम है वो है 10+4। 10+4 होने की वजह से वहां पे जो दो साल का ड्यूरेशन है, वहां पे आपको बीएस की पढ़ाई करनी पड़ रही है। अगर आप देखेंगे फिलीपींस एम्बेसी की वेबसाइट के, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस की वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हमसे भी कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको सर्कुलर देंगे। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो बॉडी बोलते हैं हम लोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल का टोटली कंट्रोल करती है, वैसे ही फिलीपींस के अंदर जो बॉडी है उसका नाम है चैड। जो भी एजुकेशन सिस्टम है वहां की, वो टोटली कंट्रोल होती है चैड के द्वारा, और चैड के रूल्स के हिसाब से एक साल इंडिया में पढ़ाई करवाना और एक साल फिलीपींस में पढ़ाई करवाना, इट्स नॉट लीगल। सर्कुलर में लिखा हुआ है, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे ये चीज को। तो यहां पे आपको बोला जाता है कि आपको एक साल की बीएस की पढ़ाई यहां पे करवाई जाएगी, एक साल की वहां पे करवाई जाएगी, लेकिन आप उस टाइम पे भूल जाते हो कि वहां पे एनमेट की एग्जाम है। एनमेट इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट बीएस कोर्स। आप एक साल नीट की तैयारी करेंगे या एक साल एनमेट की तैयारी करेंगे? और अगर मैं तो बोलता हूं, आपने यहां पे वो कर भी लिया, आप यहां पे नहीं कर रहे, फिलीपींस में जाके भी कर रहे, एक साल के बाद आके नीट दे पाएंगे आप? क्वालिफाइड हो पाएंगे? नहीं क्वालिफाइड हो रहे, देन एज पर एज एमसीआई नॉर्म्स यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ये बात हो गई फिलीपींस की। दूसरी बात पे आते हैं कैरेबियन। अगर कैरेबियन में आप जाएंगे तो कैरेबियन के अंदर आपको बोला जाता है कि 3 साल कैरेबियन में पढ़ाई करनी है, 2.5 साल यूएस में पढ़ाई करनी है, लेकिन कभी भी अगर वो यूनिवर्सिटी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, हर साल एक दो बच्चा तो गया नहीं होगा यूएस में। अगर 90% सक्सेस रेशियो है उसका, तो 100 बच्चों में से 90 बच्चे तो गए होंगे। मैं तो बोलता हूँ 100 नहीं है, 30 ही गए हैं, 30 में से 25 तो गए होंगे। तो 5 साल का डेटा कितना होना चाहिए? 125 जितना होना चाहिए। मांगिए उनसे डेटा आप, क्योंकि जहां तक आप वहां पे विदाउट नीट क्वालिफाइड अगर आप जा रहे हो, वो कंट्री के अंदर, यूएस के अंदर या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके या न्यूजीलैंड, वहां से अगर आप पीजी नहीं कर रहे हो तो आपका यहां पे पीजी भी वैलिड नहीं होने वाला है। तो ये पढ़ाई करने के बाद मतलब क्या है? सिर्फ डॉक्टर बनने से कोई मतलब नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तब जाके आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अदरवाइज यहां के कंपाउंडर में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। डिग्री की वैल्यू होती है, इंजेक्शन कंपाउंडर को भी लगाना आता है, नर्स को भी लगाना आता है, तो डॉक्टर नहीं बन जाते। जो पढ़ाई की है, जो डिसिप्लिन हासिल किया है, उसका वैल्यू होता है। और जहां तक इंडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही है, अप्रूव नहीं कर रही है, वहां तक यू आर नॉट वर्क एज ए डॉक्टर और यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर यू एज ए डॉक्टर। उससे बेटर वे है, रिस्क इससे आधा है। अगर एमबीबीएस यूएस में ही करने का ड्रीम रख रहे हो, 12th में 80% से ज्यादा आए हुए मार्क्स, तो कैरेबियन में कभी भी मत जाइए। इंस्टेड ऑफ दैट, कोई भी कंट्री है, बीएससी कोर्स, प्रीमेड कोर्स होता है वहां पे, प्रीमेड कोर्स लीजिए आप यूएसए या कनाडा के अंदर,
वो कोर्स के दरमियान आप वहाँ पे एमकेट का प्रिपरेशन कीजिए, जो कि वहाँ पे एमकेट की एग्ज़ाम होती है जैसे अपने वहाँ पे नीट की होती है। एमकेट का सक्सेस रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, मैं आपको कहीं पे दूसरे लोगों की तरह मिसगाइड नहीं करूँगा ज़्यादा रिजल्ट दिखा के। एमकेट का रिजल्ट ओनली 10% मे बी 10% से लेस हो सकता है, लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो आप भी वो 10% के अंदर शामिल हो सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप एमकेट क्रैक नहीं कर पा रहे हो, बीएससी तो आपने किया हुआ है, मास्टर वहां पे कर लीजिए, वहां पे सेटल हो जाइए, पैसा आपका बर्बाद तो नहीं हो रहा है, जो कैरेबियन में पैसा भी बर्बाद हो रहा है, वक्त भी बर्बाद हो रहा है, आपके सपने भी वहां पे टूट रहे हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना है वो चूर होगा, लेकिन बाकी सब वे तो आपके ओपन रहेंगे, यहाँ पे एक भी रास्ता आपका ओपन नहीं रहने वाला है। तो अगर कैरेबियन में कोई बोलता है नीट नॉन क्वालिफाइड, आप आ जाइए भाई साहब, मत जाइए, वहाँ पे आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। पेरेंट्स को बच्चों को ऐसा होता है कि मेरे को एक साल बच रहा है तो मैं चला ही जाता हूँ, वो एक साल बचाने के चक्कर में आप पूरी लाइफ खराब करने जा रहे हो। दूसरे कई लोग ऐसा बोलते हैं आपको कि नीट नॉन क्वालिफाइड हो, आपको यूक्रेन में एडमिशन करवा देंगे और यूक्रेन से आपको जर्मनी या यूएसए या कनाडा या यूके भेज देंगे। सी यूक्रेन में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो आपको विदाउट नीट एडमिशन प्रोवाइड करेगी, मैं मना नहीं कर रहा, रशिया में भी करेगी, लेकिन उसके बाद क्या, एज पर एज यूक्रेन गवर्नमेंट नॉर्म्स आपका डिग्री फाइनल होने के बाद आपके डिग्री के पीछे स्टैंप लगते हैं बकायदा दोनों एम्बेसी के, वो तभी लगते हैं जब आपका डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो किया गया होगा। जिस साल में जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल होना चाहिए। अभी आप नीट नॉन क्वालिफाइड होके जा रहे हो, वहाँ पे एम्बेसी चेक करेगी कि भाई 2018-19 में या 19 में जो बच्चा आया हुआ है वो नीट क्वालिफाइड है कि नहीं है। आप क्वालिफाइड ही नहीं हो तो आपके पीछे वो डिग्री के पीछे स्टैम्प नहीं लगने वाला, 6 साल का पढ़ाई कर लिया डिग्री मिल गया, वो डिग्री का वैल्यू इंडिया में भी नहीं रहेगा, यूएस तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो ये मनगढ़ंत कहानियां है और सपने गलत गलत दिखाए जाते हैं आपको, उसके पीछे मत भागिए। फ्रॉड करने वाले हजारों लोग हैं मार्केट में, सब आपको अच्छा अकोमोडेशन दिखाएंगे, कई लोग आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम गाइड करेंगे। कुछ बड़े साहब लोग और मैम लोग हैं जो वीडियो हर आए दिन डालते रहते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मास्टर समझते हैं, सम आर एक्ट एज ए टूरिस्ट गाइड, वो सिर्फ वहाँ पे घूम के आते हैं, वीडियो निकालते हैं, वीडियो दिखाते हैं, और मैं इतनी कंट्री में जाके आए, हम इतनी कंट्री में ये दिखाते, ये कंट्री के अंदर देखिए इस टाइप का अकोमोडेशन, ये अच्छा है गलत है, वो डॉक्टर ही नहीं है खुद, वो लोग कोई मास्टर एमबीए किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ, ऐसे बंदे लोग आपको सिखा रहे हैं। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, मैं वैसे नहीं बोलूंगा मैं मास्टर हूं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को समझना जरूरी है हर एक को। सिर्फ बातें करने से बच्चे को गाइड करके अगर डॉक्टर बन जाते तो जो बड़े लोग बैठे हैं जो गूगल में यूट्यूब में ऊपर दिख रहे हैं वो लोग के हर साल 200-300 बच्चे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि 6 साल के अंदर 1200 बच्चे गए होंगे, कितने एमसीआई क्वालिफाइड कर पाए उनके भेजे हुए बच्चे, वो सिर्फ फोटो डालेंगे 10-12 बच्चों की, वो भी दूसरे के है कि खुद के मालूम नहीं होता है। तो कभी भी बड़े लेवल के पीछे मत भागिए, खुद से सर्च कीजिए, खुद से जानकारी लीजिए, ज़रूरत पड़ती है कांटेक्ट कीजिए, वी आर अवेलेबल ऑलवेज। हमारी जो वेबसाइट है www.softamo.org और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है +917227044848, ईमेल भी आप कर सकते हैं info@softamo.org। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thanks and best of luck.